हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडॉल डिपार्टमेंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर बहुत सारी अफवाह फैली और मीडिया में भी इसकी बातें चल रही हैं कि इस आइडॉल की जो है UGC की तरफ से जो अप्रूवल नहीं है, मान्यता नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो आइडॉल यानी मुंबई यूनिवर्सिटी है, वो आइडॉल डिपार्टमेंट के लिए जो मान्यता होती है उसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि जो लास्ट ईयर 2018 में UGC के नए रूल्स आए थे उसके अकॉर्डिंग सारी यूनिवर्सिटीज़ को आइडॉल यानी जो डिस्टेंस एजुकेशन के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वापस मान्यता लेनी थी। आइडॉल डिपार्टमेंट का मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से मान्यता का प्रोसेस शुरू था और खुशी की बात यह है कि 31 जुलाई को ही UGC की जो लिस्ट निकली है, अप्रूव्ड यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट, उसमें मुंबई यूनिवर्सिटी को भी जो आइडॉल डिपार्टमेंट है उसको मान्यता मिल चुकी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब आप डिस्टेंस ओपन लर्निंग के इस लिंक पर जाते हैं तो आपको ये जो लिंक है यहाँ से ये PDF ओपन होती है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आप देख सकते हैं 31 जुलाई के दिन जो ये PDF रिलीज हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे पूरे इंडिया के जितने भी अलग अलग स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली और यहाँ पर 7th नंबर पर आप 5th पेज पर देख सकते हैं महाराष्ट्र। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मुंबई में है और 2019-20 इस एकेडमिक सेशन के लिए जो है मान्यता मिल गई है। अभी कितने कोर्सेज है वो यहाँ पर देखेंगे, अप्रॉक्स 15 कोर्सेज के लिए मान्यता मिली है। BA, BCom, BSc, IT, MA इन इकोनॉमिक्स, MA इन एजुकेशन, MA इन इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मराठी, MA इन पॉलिटिकल साइंस, MA इन सोशियोलॉजी, MCom, MCA, MSc इन IT, MSc इन मैथमेटिक्स। लगभग ये जो 15 कोर्सेज हैं इनको UGC की तरफ से जो है मान्यता मिल गई है। ये जो ग्रेजुएशन लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज, कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज भी मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडॉल डिपार्टमेंट चलता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है। तो खुशी की बात ये है कि ये अप्रूवल मिल गया है। इसकी वजह से जो फर्स्ट ईयर के एडमिशन रुके हुए थे आइडॉल के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, वो अब शुरू हो रहे हैं। 2nd ऑफ अगस्त से जो आगे के जो एडमिशन है आइडॉल के सारे शुरू हो जाएंगे। मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल से बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर ले, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें।